नेक्स्ट कक्षा 12 के नेक्स्ट पार्ट में अपने चल रहे हैं, जिसमें ऑप्टिक्स में डे 152 152 में, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म से बात कर रहे थे। प्रिज्म से संबंधित अगला टॉपिक है विचलन रहित विक्षेपण। विक्षेपण भी पढ़ लिया, विचलन पढ़ लिया, लेकिन अब एक नई बात है इसके अंदर जो है विचलन रहित विक्षेपण, यानी विचलन रहित विचलन नहीं होना चाहिए लेकिन विक्षेपण हो जाना चाहिए। दोनों बातें में पता है, विचलन का मतलब होता है मुड़ना किरण का, तो मुड़नी नहीं चाहिए वो, मुड़ने का मतलब जिस कोण पर आ रही है उसी में बाहर निकलनी चाहिए, उसके समांतर ही जानी चाहिए, लेकिन विक्षेपण हो जाना चाहिए। विक्षेपण का मतलब व्हाइट लाइट जो है वो सात रंगों में तो विभाजित हो जानी चाहिए, सात रंगों में तो विभाजित हो जाए, लेकिन लेकिन वहां विचलन कोण का मान जीरो, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, विचलन रहित विक्षेपण कहेंगे। सामान्य हमें पता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे विक्षेपण कहते हैं। उसके साथ साथ प्रकाश जो विभक्त होता है वो किसी कोण पर भी मुड़ जाता है, जिसे विचलन कहते हैं, विचलन उत्पन्न होता है सामान्यतः। लेकिन ऐसा भी संभव है कि श्वेत प्रकाश आए बाहर निकले लेकिन उसके अंदर विचलन नहीं हो। कैसे संभव है, उसके लिए दो प्रिज्म अलग अलग प्रिज्म कोण के अलग अलग पदार्थ के हो, उनको एक साथ रखा जाए और फिर ये स्थिति संभव हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उस स्थिति को कहेंगे विचलन रहित विक्षेपण। हम उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे और रिलेशन लेंगे कि को क्या रिलेशन होना चाहिए, प्रिज्म कोणों में क्या रिलेशन होना चाहिए, अपवर्तनांक में क्या रिलेशन होना चाहिए पदार्थ के, जिससे जिससे विचलन नहीं हो और विक्षेपण हो जाए। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें लिखने की बात कर लेते हैं, क्या लिखना है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो हमें पता है सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। सीधा भी लिख सकते हैं हम इसे कि क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। साथ ही विचलन भी उत्पन्न होता है, ठीक है, विचलन भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं भाई कि प्रकाश जो आता है वो विभाजित हो जाता है सात रंग में, लेकिन वो रंग मुड़ भी जाते हैं। जो हमने पिछले हर क्लास में जितने भी किए हमने, तीन चार सारी क्लासेस, सभी में हमने ये बात ये दिखाई कि ऐसे आ रहा प्रकाश किरण के ऐसे जा रहे थे बाहर निकलने से मुड़ गया। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, विचलन रहित विक्षेपण। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा भी संभव है कि प्रकाश जब बाहर निकले तो वो विक्षेपण तो हो जाए उसमें लेकिन विचलन नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे ही विचलन रहित विक्षेपण कहेंगे। तो दूसरी बात इसके अंदर क्या लिखनी है, ऐसा संभव हो सकता है यदि यदि दो भिन्न अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तथा भिन्न प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म को एक साथ रखने पर ऐसा संभव है कि ऐसा संभव है कि प्रकाश का
विक्षेपण तो हो जाए परंतु विचलन नहीं हो। इसे विचलन रहित विक्षेपण कहते हैं। इसे विचलन रहित विक्षेपण तो थ्योरी लिखनी हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे रखे हुए। इसमें देखो दो प्रिज्म का यूज किया जाता है, नाम भी ध्यान रखें। एक को कहते हैं क्राउन प्रिज्म, ये क्राउन प्रिज्म, एंड दूसरे को कहते हैं फ्लिंट प्रिज्म। हिंदी में भी इनको, इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में लिख देते हैं क्राउन प्रिज्म और क्राउन में मतलब ताज की तरह, ताज की तरह ऐसे रखा हो। फ्लिंट का मतलब ऊपर का पार्ट समतल, तो उल्टा कर दे प्रिज्म को, उल्टा कर दे। कैसे, अब देखो कैसे रखा जाता है। एक प्रिज्म तो ऐसे रखा जाता है जैसे नॉर्मली हम लेते ही हैं, ये तो एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राउन प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन प्रिज्म। और दूसरा उल्टा रखते हैं, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो रख दे प्लेन, ऐसे रख दे इसको, ये इसके साथ लगा के ऐसे हो गए दो प्रिज्म। तो ऊपर वाला पार्ट प्लेन है, इसको कह देते हैं फ्लिंट प्रिज्म, फ्लिंट। इन दो प्रिज्म का यूज किया जाता है। इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लेते हैं म्यू है। म्यू क्या है, माध्य अपवर्तनांक है, ये बात ध्यान रखें। अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक तो अलग अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा और वॉयलेट के लिए अलग होगा, बीच के जो सारे हैं उनके लिए भी बीच का रहेगा अलग अलग। लेकिन हम माध्य विचलन हमने लिया था पिछले टॉपिक में, माध्य विचलन कोण जो पीले रंग के लिए होता है नॉर्मली, तो उसके लिए अपवर्तनांक भी क्या होता है, माध्य होता है। तो जो बात उनके लिए अप्लाई होगी वो इसके लिए, क्योंकि एक किरण मुड़ेगी, एक कलर मुड़ेगा, सारे मुड़ेंगे, वही बात सभी। तो माध्य के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपवर्तनांक। इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लेते हैं म्यू डैश है। इसका जो प्रिज्म कोण है वो मान लेते हैं ए है, और इसका जो प्रिज्म कोण है वो क्या मान लेते हैं, ए डैश है। चाहे तो दोनों बात लिख लें हम, फॉर क्राउन प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण ए है, और माध्य अपवर्तनांक जो है वो उसका क्या है, म्यू है। दूसरी बात, फॉर फ्लिंट प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कोण ए डैश मान लेते हैं इसको, और अपवर्तनांक जो है वो उसको क्या मान लें, म्यू डैश मान लें। अब देखो ये तो यहां जो आ रही है ये है व्हाइट लाइट, ये अपने पास व्हाइट लाइट। अब आगे की प्रोसेस हमें पता है क्या होगा, सात रंगों में विभाजित हो जाएगी, ऐसे अलग अलग कोणों पर जाएंगी। ये मान लेते हैं क्या है, ये डेल्टा आर है, यानी आर रेड कलर है, ये क्या है, वॉयलेट कलर है, ठीक है। हमें यहां विचलन नहीं देख रहा है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, विचलन पता चल जाएगा कितना हुआ। लेकिन जब ये यहां आपतित होती है, यहां आपतित होती है, तो अब क्या कर रखा है, प्रिज्म को उल्टा कर रखे हैं। तो यहां पर जब विचलन होता है तो इनका इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, उल्टा हो गया ना ये अपोजिट साइड से, और फिर ये इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। जब इनको इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये तो ऐसे पैरेलल लाइन आएगी, और इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो विचलन तो इसी से देखते हैं कि इसके साथ कहां कटेगी। अब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये इसकी पैरेलल ही रहती है, ये कहीं भी नहीं काटती, ये कहीं नहीं काटती। तो ये इनके क्या होती है, आपतित किरण के समांतर होती है। देखो कलर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, वो कलर डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी है, यहां जाएंगे तो कलर तो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, विक्षेपण तो हो चुका है, रंग तो अलग अलग विभाजित हो गए हैं, लेकिन ये जो रेज आ रही है, ये जो अलग अलग तरंग धीरे हैं कि तरंगे बाहर निकल रही हैं, ये आने वाली प्रकाश किरण के समांतर होंगे, और समांतर होती हैं दो रेखाएं, तो उनके मध्य कोण क्या बनता है, जीरो डिग्री।
समांतर कब होती है, जब ऐसी जा रही है दूसरी किरण भी ऐसी जा रही है, विचलन कब आता है, जब मुड़ गई। अभी तो मुड़ी नहीं तो इसमें विचलन नहीं हुआ। इसका मतलब इस स्थिति में डेल्टा का जो मान है वो कितना होगा, बात ध्यान रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब वैसे नाम ही लिखा हुआ है विचलन रहित, तो विचलन रहित है मतलब विचलन तो है ही नहीं, है नहीं, तो फिर वहां पर कोण कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है, ये समांतर है, ठीक है। अगर यूं कहें भी आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध है, तो आपतित किरण के समांतर ही होती है निर्गत किरणें भी, लेकिन विक्षेपण हो जाता है। आगे बात समझ में, अब इसके लिए ये तो आगे इसकी डिटेल्स, तो आप इसमें ये बात भी नोट कर लीजिए कि इसके लिए क्राउन प्रिज्म तथा फ्लिंट प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो क्राउन फ्लिंट अलग कुछ नहीं है, तो वही प्रिज्म रखने की स्थिति को ही नाम दे दिए, सीधा रखा गया तो क्राउन बोल देंगे, क्राउन ऐसे तो होता है ऊपर से तीखा, और उल्टा रख देंगे तो उसको फ्लिंट प्रिज्म कह देंगे। अब इनके लिए देखो डेल्टा का मान क्या है, डेल्टा का मान जीरो, तो इसके लिए क्या है विचलन मान लेते हैं, पहला माध्य विचलन क्या है, डेल्टा है। इसमें भी विचलन तो इधर मुड़ तो रही है, इधर मुड़ गई, तो इसके लिए विचलन क्या है, डेल्टा डैश है। सबने ऐसे लिया ना हमने, ए म्यू डेल्टा, ए डैश म्यू डैश डेल्टा डैश, ठीक है। तो यहां क्या बात ली हमने, दूसरी बात क्या ली है, माना क्या माना हमने, माना किसके लिए, क्राउन प्रिज्म के लिए विचलन क्या है, डेल्टा तथा फ्लिंट प्रिज्म के लिए विचलन क्या है, डेल्टा डैश है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लेकर चल रहे हैं, विचलन होना ही नहीं चाहिए, होना ही चाहिए तो टोटल विचलन कितना आना चाहिए, तो बाहर निकलेगी अंत में जीरो आना चाहिए। तो बाय द डेफिनेशन वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इट मींस डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा मतलब टोटल वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा वन डेल्टा टू नाम दे दो चाहे इसे, तो यहां कहते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। दोनों के मान रख दे अब इसके अंदर, यहां डेल्टा का मान क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए, कौन से प्रिज्म के लिए, क्राउन प्रिज्म के लिए, डेल्टा डैश म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, इसके लिए फ्लिंट प्रिज्म के लिए, दोनों के मान रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक से आगे लिख रहा हूं दिखाई दीजिए, तो ये दोनों मान यहां रख दें, स्टेप बाय स्टेप लिख लिया मैं, यहां रख दें इसके मान, तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश बराबर जीरो। इसको इधर ले जाओ, ए डैश को डिवाइड में ले आओ, एक स्टेप में लिख दो चाहे दो स्टेप में लिख दो, जैसा समझ में आए, इसको इधर ले जाओ, माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, ए को एक तरफ रख लो प्रिज्म कोण को और अपूर्णांक वाले वैल्यू को दूसरी तरफ। अब यू पूछ ले भाई, इसके लिए विचलन रहित विक्षेपण के लिए क्या मुख्य शर्त होनी चाहिए, तो जो रिजल्ट आता वो मुख्य शर्त है कि इनके प्रिज्म कोणों का अनुपात जो है वो इसके आरएचएस के इक्वल होना चाहिए। क्या आएगा देखो, ए चाहे तो इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, कैसे ले जाओ, ए अपॉन ए डैश कर लो, ए डैश इधर ले, ए अपॉन ए डैश मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाओ, तो माइनस म्यू डैश माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन, तो ये क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया जो क्या करेगा, विचलन रहित विक्षेपण को बढ़ाएगा, कि जो कलर आ रहा है व्हाइट लाइट आ रही है जो वो कलर में डिवाइड हो रही है, तो कलर तो अलग अलग आ जाए, विक्षेपण तो हो जाए, लेकिन विचलन नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्रिज्म कोणों का अनुपात, प्रिज्म कोणों का अनुपात इनके अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होगा, माइनस वन करने के बाद। अब इसे माइनस हो रहा है, तो माइनस क्या बता रहे हैं, माइनस ये बता रहा है कि एक प्रिज्म दूसरे का उल्टा होगा, माइनस ही पता चलता है कि ऐसा रखा है हमने, माइनस ही पता चल रही है कि एक प्रिज्म को सीधा रखेंगे दूसरे को उल्टा रखेंगे। तो समीकरण दो जो है इसको हम लिख सकते हैं,
इस समीकरण दो, आप ये लिख लें इस बात को, इस समीकरण दो विचलन रहित विक्षेपण की आवश्यक शर्त है, ये बात लिख लें। और इसके अनुसार अनुपात दिखाई दे रहा है, ए और ए डैश का अनुपात जो इसके बराबर है। एक बात और लिख लें इसके अंदर, यहां माइनस चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि एक प्रिज्म दूसरे का उल्टा रखा होना चाहिए। ये दो बात नोट कर लें। समीकरण दो द्वारा रिपीट कर देता हूं मैं, समीकरण दो क्या बताती है, समीकरण दो विचलन रहित विक्षेपण की आवश्यक शर्त है, एक बात। दूसरी बात, माइनस चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि एक प्रिज्म दूसरे का उल्टा रखा होना चाहिए। लिख लें इसको, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, तब तक इसको रिवाइज कर लें आप।